देखिए सर आइए, एजीएम साहब का खुलासा अभी होगा। देखिए बोरा देखिए चेक कीजिए, एक दो चेक कराइए, किसका चमचा को पैसा देते हैं आप? वो तो होगा, अनुज लेता है पैसा। अनुज किसका आदमी है? अनुज एजीएम का आदमी है, एजीएम का आदमी। सदानंदपुर बैसा पंचायत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो इसको बिल मिलता है, समझे? पिछले महीना का बिल मिला आप लोग को? पिछले महीना का बिल मिला है? यहाँ से बिल मिलता है? देखिए कोई नहीं बोलेगा, अनाज नहीं मिलता, एक किलो नहीं देता है। कंप्लेन किया एक बार भी? देरी किया तो किसको दिया? एजीएम को कहे, अनुज को कहे, भूषण जी उसको बोले। कई आदमी घर में? कई आदमी घर में है? कई आदमी घर में तो है ढेरे, कितना उतना नहीं मिलता है। ए डीलर साहब आप ही बता दीजिए, इनका 190 का 6 यूनिट का मिलता है, 6 यूनिट का 190 रुपया लिए हैं। 190 रुपया होता है? 190 नहीं लिए, उसका तेल उसका पैसा लगता है 130 अंतोदय है, 91 टका उसको अनाज जाता है, तेल भी दिए तब नहीं होगा। कितना होगा? 90 टका लीटर दिए, 90 81 आता है, 82 आता है, भाड़ा ना है, जीएसटी ना है। तो ये तो देखिए भाड़ा जी ऐसी सरकार ना देगा ना, हमको हम लोग को जो लगता है। आपको तो कुंटल पर हिसाब किताब है, कितना पैसा मिलेगा आपको? हम लोगों को सुनिए ना, हम लोगों को 14 टका यूनिट कटता है, 14 टका यूनिट से पैसा काट के ले लेते हैं। उन्हें बोल रहे हैं आप जो 81 रुपया है, आप जो 90 टका लिए सही कर रहे हैं आप? कौन से का 90 रुपया आप लिए सही कर रहे हैं? ये तो गड़बड़ है, हर जगह ठीक है। सुनिए ना, हर जगह है, लेकिन हम जो सवाल यहाँ करने के लिए आए हैं हम आपको फंसाने रहे हैं। देखिए आपसे जो भी हम बात करेंगे आप अगर हमको कोऑपरेट कीजिएगा हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। देखिए ये बताइए कहाँ कहाँ आपको पैसा देना पड़ता है? कहाँ पैसा देना पड़ता है आपको? ब्लॉक में 15 क्विंटल लगता है, ब्लॉक में कमीशन लगता है। ब्लॉक में कमीशन लेता है? कौन लेता है कमीशन? लेता है अनुज कमीशन, अनुज लेता है कमीशन। किसको जाता है बताइए? सबको जाता है कमीशन, किसको किसको? हम लोग नहीं जानते, हम लोग जानते 55 रुपया क्विंटल हम लोग को लगता है। 55 रुपया मतलब क्विंटल पे ले लेता है? ले लेता है। एजीएम के पास जाता है, एमओ के पास जाता है? सबके पास जाता है, सबके पास। एमओ का नाम बताइए। सुनिए ना, हम लोग नाम नहीं जानते। देखिए हम देखिए सुनिए सीधा बात है, अगर ये पैसा ले रहे हैं तो अगला भी कोई ले रहा होगा, सभी ले रहे हैं, तो वही आप हमको बताइए, वही हम पूछने के लिए आए हुए आपसे। हम लोग जो है 52 क्विंटल ऑफिस में जमा करना पड़ता है, एमओ साहब को जाए, एजीएम साहब को जाए, और कहीं जाए। किसका चमचा को पैसा देते हैं आप? वो तो होगा, अनुज लेता है पैसा। अनुज किसका आदमी है? अनुज एजीएम का आदमी है, एजीएम का आदमी है, एजीएम का आदमी है। मतलब कहलगांव प्रखंड के एजीएम का आदमी जो अनुज है वो 55 टका क्विंटल पे इनसे पैसा ले लेता है। अच्छा कै क्विंटल अनाज आपका आता है? मेरा अनाज आता है 1 क्विंटल। टोटल कितना आता है? मेरा 116 बोरा आता है, ये वाला पैसा वाला, और 110 बोरा आता है। टोटल कितना अनाज? टोटल कितना आता है? 216 बोरा आता है मेरे पास। 216 बोरा आता है, क्विंटल कितना हो गया ये? 108 क्विंटल हो। 108 क्विंटल, तो 108 क्विंटल गुना 55 रुपया हिसाब से आपको ले लेता है? फ्री वाला का पैसा नहीं लगता। फ्री वाला का नहीं लेता है? जो पैसा वाला अनाज आता है मतलब कि उसका पैसा 55 रुपया क्विंटल आपसे ले लेता है। और एमओ कितना लेता है? हम लोग नहीं जानते, हम लोग वही लोग बांटता है, हम लोग नहीं जानते। मतलब एजीएम का जो एजेंट है वो पैसा ले लेता है, बाकी एमओ एजीएम और क्या करते हैं हम लोग नहीं जानते, हम लोग खाली पैसा। तेल पे कितना पैसा लेता है? तेल में अभी 82 टका 7 पैसा लीटर चिट्ठा कटा है, ठीक। प्लस लगा हम लोग को 800 रुपया अलग से। अच्छा 800 रुपया अलग से, 400 भाड़ा, 1200 अलग। एक बात बताइए, वो सब ठीक है, बिल कहे नहीं दे रहे अगला आदमी को? सारा बिल यहाँ समेट के रखे, देख लीजिए। सुनिए अभी काटिए, यहाँ देखिए सारा बिल समेट के रखे हैं। अभी जाएगा तुम अभी पूरा सदानंदपुर बैसा पंचायत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हो इसको बिल मिलता है, समझे? पिछले महीना का बिल मिला आप लोग को? पिछले महीना का बिल मिला है? यहाँ से बिल मिलता है? देखिए कोई नहीं बोलेगा, बिल मिलता है आपको? चिट्ठा मिलता है? ये चिट्ठा देता है आपको? ये बताइए पैसा काट के आप दे दिए, चिट्ठा दिए आप? चिट्ठा दे रहे तब ना, अभी कब दीजिएगा? अभी सबका काट के रखे, अनाज ना पाएगा तब ना बिल देगा सबको। पहले पैसा ले लिए लेकिन बिल बाद में दीजिएगा? तेल अभी देना है सबको, सबका डिब्बा रखा हुआ है। अच्छा अनाज में कई किलो काटते हैं? अनाज में हम लोग काटते नहीं है, जरा सा भी नहीं काटते हैं, नहीं। किलो में 50 ग्राम है? किलो में 50 ग्राम अनाज आपको? 1 किलो प्रत्येक कार्ड पर कटता है, प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो, काटना अनिवार्य है? नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन बोरा नाप के देगा तब ना हमको। आप चलिए बोरा चेक कीजिए पहले, आइए आइए यहाँ देखिए, आप हमको कोऑपरेट कीजिए, आप हम पूरा कोऑपरेट चेक कीजिए। हमको 52 किलो का बोरा चाहिए, 52 किलो का बोरा। सुनिए अभी हमारा कहलगांव एजीएम का भी वीडियो बन चुका है, ठीक है? एजीएम साहब का कहना है कि हम बोरा एकदम परिपूर्ण देते हैं। देखिए सर आइए, एजीएम साहब का खुलासा अभी होगा। देखिए बोरा देखिए चेक कीजिए, एक दो चेक कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं फंसिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।
एक दो को चेक कराइए, कराइए एक दो को, एक बगल से चेक कराइए। देखिए वहाँ से बोला जाता है कि रुक जाइए वहाँ से बोला जाता है कि एजीएम साहब पूरा कंप्लीट और बढ़िया माल देते हैं, फ्रेश बोरा देते हैं। यहाँ देख लिया हम डीलर के पास आए हुए हैं, खुला सबूत है फ्रेश बोरा है, फ्रेश बोरा नहीं है। इधर भी देखिए, देख लीजिए बोरा सब फटा हुआ बोरा आ रहा है, तो कहाँ से अनाज सही आ पाएगा? देख लीजिए हमको बहुत दिख रहा है, यहाँ भी देखिए इसे गिरेगा नहीं अनाज, कितना अनाज गिर जाएगा देखिए यहाँ पे आप, सारा का सारा फटा हुआ। भैया एक दो नपवाइए आप, अभी एजीएम का खुलासा यही होगा, एक दो नपवाइए आप, एक दो नपवाइए, एक दो बोरा नाप के देख लेते हैं कि वजन सही आता है कि नहीं आता है। ये देखिए एजीएम साहब का दावा होता है कि हम माल सही देते हैं, 51 किलो का बोरा है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कहलगांव प्रखंड का जो एजीएम है वो कितना बड़ा घुसखोर है, और देख लिए घुसखोरी नहीं जी, भ्रष्टाचार है ना। 38 किलो 700 ग्राम। अच्छा ये बताइए आप, जब हम एजीएम के पास जाते हैं तो अपना दावादारी लोग ठोक देता है कि हम जो है ना डीलर को सही अनाज देते हैं, कहाँ बोरा उतर रहा है 38 किलो 751 किलो का? आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि क्या सरपट थी। अच्छा सुनिए ना, आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि कितना ईमानदार एजीएम है। 38 किलो 751 किलो का 38 किलो 700 बोरा उतर रहा है, दूसरा बोरा ये देखिए, ये देखिए सील लगा हुआ, सील लगा हुआ, देखिए दूसरा बोरा सील लगा हुआ है, देखिए 37 केजी है, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ लगा हुआ बोरा है। एक और नाप दीजिए, एक और नाप दीजिए, हटाइए इसको, और नाप दीजिए, एक और नाप दीजिए आप, हट जाइए, एक और नाप दीजिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ 47 किलो उतर रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि कोई ठीक नहीं है कौन बोरा में कितना है, लेकिन हर एक बोरा 35 किलो का बोरा आता है, 35 किलो, 35 किलो का कर क्या गहूँ 35 किलो का कई बोरा, लेकिन हर बोरा का जो रेट है 51 किलो के हिसाब से जोड़ देता है, जोड़ देता है पूरा। देख लीजिए डीलर साहब आपका क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद सिंह। अच्छा जी थोड़ा इधर अपना नाम थोड़ा परिचय करा दीजिए, आपका नाम क्या हुआ? पापा के नाम से डीलर सुरेश प्रसाद सिंह। अच्छा पापा के नाम से डीलर सुरेश प्रसाद सिंह के नाम से डीलर है, कौन सा गाँव है ये? कौन सा गाँव है? औरंगाबाद। औरंगाबाद है ठीक है, और देखिए औरंगाबाद से सुरेश प्रसाद सिंह जी डीलर है, इनके पिताजी हमारे साथ हैं। जो एजीएम साहब दावा करते हैं कि हम अनाज सही भेजते हैं, वो बिल्कुल अनाज सही नहीं भेजते हैं, यहाँ पे अभी प्रूफ हो गया। सही बताइए जितना कुंटल कह के दिया जाता है उसमें कितना कम निकलता है? बहुत कम था, 5 कुंटल 6 कुंटल महीना में जा रहा है। देख लीजिए 5 से 6 कुंटल पर महीना कम मिलता है। हम लोग जाके बोलते भी हैं तो अनाज नहीं मिलता, 1 किलो नहीं देता है। कंप्लेन की एक बार में देरी किए तो किसको कंप्लेन में दिया? किसको दिया? एजीएम को कहे, अनुज को कहे, भूषण जी हैं उसको बोले हैं, एमओ को भी बोले हैं, एमओ साहब को बोला जाता है कि अनाज कम है। एसडीओ साहब को बोले कभी? नहीं, एसडीओ साहब से हम लोग जल्दी बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं ऑफिस से बात कीजिए। एसडीओ में कभी आवेदन दिए हैं लिख करके? हम लोग कितना डीलर मीटिंग में बोलते हैं तो कहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है। दोनों में काकी सस्पेंड कर देंगे। ये बताइए 10 गो आम पब्लिक आपके खिलाफ अगर कंप्लेन करेगा आप अनाज कम देते आप क्या कीजिएगा? उससे हम लोग भी जाएंगे लेके, भाई चलिए अभी देखे ना क्या स्थिति बोरा का क्या करेगा, स्थिति देख रहे हैं। सुनिए ना आपसे बाबा, रुके ना, स्थिति देख रहे हैं हम, अगर 10 गो आदमी कंप्लेन कीजिएगा तो कंप्लेन करेगा तो आपके खिलाफ करेगा कंप्लेन? वो लोग जान रहा है कि अनाज कम आता है डीलर को, हम लोग को 1 किलो कटता है, हम लोग एक कार्ड पर 1 ही किलो काटते हैं। सुनिए ना, पूरा पंचायत का भी शिकायत है, जितना डीलर है सब का, वो आपका नहीं कि पर यूनिट 5 रुपया ज्यादा लिया जाता है। कैसे 5 रुपया है आप जोड़ के दिखाइए? नहीं 5 रुपया ज्यादा लिया जाता है। कैसे ज्यादा है? 14 का मशीन पर चिट्ठा काट रही है, हम लोग 18 कम दे रहे हैं, 18 2 रुपया ज्यादा ले रहे हैं। हाँ 2 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, 2 रुपया ज्यादा क्या करें? अच्छा ये सब बात के लिए कभी कंप्लेन नहीं किया कि पब्लिक में ऐसी डिमांड करता है हमको उतने में चाहिए वजन हमको सही चाहिए? पब्लिक भी अपने से नाप के लेते, हम नापते थोड़ो, अपने से नाप के ले रहा है, अपने से नाप के ले रहा है, सब सबको अपने देते हैं, ले जाइए। देख लीजिए कहीं ना कहीं इसमें एजीएम साहब और एमओ साहब एकदम पूरा सम्मिलित है, एसडीओ साहब इसमें सम्मिलित है, तभी इसमें संज्ञान नहीं लेते और ऑफिस भेज देते हैं। ये देखिए डीलर में हम यहाँ डीलर के पास आए थे, जमीनी हकीकत आपको दिखा रहे थे हम, 38 केजी निकला, एगो में कितना निकला? 13 केजी पर बोरा कम निकल गया, सोच लीजिए उतना उतना आज है कितना कम निकलेगा, ठीक है? क्या कहते हैं, बाकी आप देखते रहिए सिलिक टीवी कैसा लगा हमारा प्रयास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एजीएम साहब और एमओ साहब कैसा ईमानदार हैं और डीलर साहब उसमें फंस गए हैं और कितना ईमानदारी से काम हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।